ओके 4.2 एडिशन राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करना है आपको -3/17 को एंड -6/51 को. अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि ये एंड की जगह कौन सा साइन लगाया जाए. मैं हर बार बताती हूँ एंड की जगह वो साइन लगेगा जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है राइट. यहाँ पे क्या कहा गया है ऐड करने के लिए, तो एंड की जगह साइन लगेगा एडिशन का. अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा होता तो एंड की जगह हम साइन लगाते माइनस का. अगर यहाँ पे लिखा होता मल्टीप्लाई तो एंड की जगह हम साइन लगाते मल्टीप्लाई का. जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर एंड की जगह वही सिंबल लगेगा. अब हम इसको स्टार्ट करते हैं -3/17. क्या करना है आपको ऐड करना है, तो एंड की जगह एडिशन का साइन लगाइए और जो नेगेटिव नंबर है उसको ब्रैकेट में लिख दिए राइट. अब मैंने नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं इसको बिना ब्रैकेट के लिखूंगी तो ये दो साइन एक साथ आ जाएंगे राइट. और इस तरीके से आप दो साइन कभी भी एक साथ नहीं लिखते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया. सबसे पहले क्या करना है, जब हम बोर्ड मास रूल यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाते हैं राइट. बोर्ड मास रूल यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट हटाना है. वो ब्रैकेट कैसे हटेगा, जब ये दो साइन मिलके एक साइन बन जाएगा राइट. तो क्योंकि इस वाले नंबर से हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है, तो हम इस नंबर को -3/17 को एज इट इज लिख सकते हैं राइट. उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस माइनस क्या हुआ था माइनस राइट. अब हमने क्या किया, दो साइंस को एक साइन में बदल दिया, प्लस माइनस माइनस 6/51. अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं राइट. कैसे सॉल्व करना है, अगेन स्टार्टिंग विद बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, दोनों का एलसीएम लेना है 17 and 51. तो इनका एलसीएम कितना होना चाहिए, 51. क्यों होना चाहिए, क्योंकि 17 के टेबल में 51 आता है राइट. तो 51 दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 51. 51 का आप टेबल पढ़ सकते हैं, 51 और 17 के टेबल में भी 51 आता है राइट. अब यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ा प्रोसीजर बताया था किस तरीके से, जैसे अभी हमने कंपैरिजन किया था, तो हमें क्या करना होता है कि इनके एलसीएम यानी डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है राइट. इनके डिनोमिनेटर्स को हमें सेम करना है, सेम कितना करना है, जितना इनका एलसीएम है राइट. अब अगर यहाँ दूसरे नंबर्स की बात करें तो 51 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 51 मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको इसे 1 से ही मल्टीप्लाई करना है. अब बात रही कि 17 को किस से मल्टीप्लाई करें तो आपको 51 मिलेगा, उस केस में आप करेंगे 17 × 3 = 51 राइट. एक तो ये तरीका होता है कि आप यहाँ मल्टीप्लीकेशन करिए. अब अगर आपको यहाँ नहीं पता है कि 17 को किस से मल्टीप्लाई करके 51 आए, छोटी सी बात है राइट, आपको नहीं पता कि 17 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 51 आएगा, तो इसका रिवर्स हम कर सकते हैं. इसका रिवर्स क्या करेंगे, 51 को डिवाइड कर दीजिए 17 से, ठीक है. हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एलसीएम आया है उसको डिवाइड कर देंगे आपके डिनोमिनेटर राइट. अब तक हमने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन सीखा, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, और हम ये वाला मेथड अब कहीं यूज नहीं करते मल्टीप्लीकेशन करके, क्योंकि ये बहुत लेंथी मेथड है राइट. अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटी सी बात याद रखेंगे, जो भी हमारा एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम होगा उसको हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, ठीक है. एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो अगर 51 को आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17 × 51. 17 × 3 = 51, इसका मतलब है 17 को हमने किस से मल्टीप्लाई किया, 3 से, क्योंकि 17 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर ही 51 आएगा. 17 को हमने किस से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो अगर मैं 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे भी इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मैंने बहुत छोटा लिखा है क्योंकि आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है राइट. आप यहाँ पर, या आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, अभी हमने डिवाइड किया इसे, क्वेश्चन कितना आया इसका, क्वेश्चन कौन सा नंबर होता है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कितना आया 3. जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसको आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. दो बातें फिर से सुन ले, जो आपका एलसीएम है उसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से,
डिवाइड करने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ कितना आया -9, ठीक है। 51 को 51 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, और 1 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 6 15। एक बात और ध्यान में रखने की है कि वो कि आंसर में साइन कौन सा है, राइट। अब अगर आप देखेंगे 9 और 6 तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 9। बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा, एंड दिस इज 51, राइट। तो हमारा आंसर क्या है, -15/51। लेकिन अभी ये 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 5 15, 3 1 3, 3 7 21। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा -5/17। आपको कोई ये बताएगा कि आपको आंसर ये देना है -15/51 या फिर -5/17। हमेशा ध्यान रखिए कि आंसर जो होता है हमेशा लोएस्ट फॉर्म में दिया जाता है, लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म को आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, राइट। तो अब ये मैंने -5/17 जो दिया है, तो दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों ही किसी से कैंसिल नहीं होंगे। इसका मतलब है इसको आगे आप कहीं पर भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये लोएस्ट फॉर्म है आपके आंसर की। जब तक आप नंबर को कैंसिल करते चले जाएंगे, जब तक हो पाएगा ये कैंसिल, तब तक आपका फाइनल आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर इसके आगे आप कैंसिल नहीं कर सकते, आपका फाइनल आंसर है -5/17।